तो बच्चों आज हम संस्कृत की क्लास 8 से लेकर 10 तक की व्याकरण का जो प्रथम प्रकरण है संधि प्रकरण के विषय में पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। उसमें भी पहली जो स्वर संधि है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, उनके उदाहरण देखेंगे। स्वर संधि वह जिसमें स्वरों की प्रधानता हो, जिसमें हमें स्वर ही स्वर मिलेंगे, व्यंजन नहीं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं, उसमें हम पहले यण संधि पर चर्चा करेंगे। इसका एक सूत्र है ई को यणचि, सूत्र से ही हमें इसके उदाहरण समझ आ जाएंगे कि ई को हमें यण करना है। कब करना है ये हम आगे देखते हैं। कैसे? लघु या दीर्घ ई उ री लरी, यानी ये प्लस से पहले होंगे ये तीनों, और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो पहले वाली इस ई को यह हो जाएगा, उ होगा तो उसे व कर देंगे, यहाँ प्लस से पहले री होगा तो हम र कर देंगे, और री होगा तो हम ल कर देंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण हम चारों के देखेंगे। पहले मैंने बताया ई को यह करने का, वो उदाहरण देखते हैं। ई ई को यह कैसे करते हैं, उदाहरण है यदि प्लस अपि। मैंने कहा था ई को यह करेंगे, तो ये रहा ई, ई को हमने कर दिया यह। ठीक है, ई को हमने कर दिया यहां, यहां यह किया है, और पीछे जो स्वर था उसमें मिलाकर के हमने बना दिया यद्यपि। एक चीज हमें और देखने को मिलेगी कि यण संधि के उदाहरण में य उ से पहले आपको आधा अक्षर मिलेगा ही। यण संधि की विशेषता है कि आपको य व और से पहले आधे अक्षर मिलेंगे। आगे चलते हैं, जैसे नी प्लस ऊनः, न्यून यानी कम, न में स्थित हमने ई को य कर दिया तो न अपने आप आधा हो गया, यह भी आधा ही था लेकिन उसमें ओ मिलने के कारण वो बड़ा पूर्ण बन गया और न्यून शब्द बन गया। नेक्स्ट है इति प्लस उक्त्वा, यहाँ भी त में ई है, हमने ई को यह कर दिया तो त आधा और यह भी आधा, लेकिन पीछे उ स्वर होने के कारण उसमें मिलकर बन गया इति उक्त्वा। वो उदाहरण थे ई को यह वाले, ये उदाहरण है ऊ को ऊ को व कैसे बनता है, वो उदाहरण है यण संधि के उदाहरण है। पहले मैंने उदाहरण लिख दिया है स्वागतम, हमने यहां इसको ऐसे उदाहरण लिख दिया है, व को ऊ कर दिया, एक ही बात है, व को ऊ कर दो या ऊ को व कर दो, ये सम्मिलित रूप है दो शब्दों का, तो मैंने यहां व को ऊ कर दिया तो हो गया सु, यहाँ आ स्वर था पीछे तो आ गया आगतम, सु प्लस आगतम, व से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि है। मधुवरी, मधु नामक राक्षस का शत्रु है जो अर्थात श्री कृष्ण, तो व है तो व उ में बदलता है तो मैंने इसको बना दिया मधु, पीछे स्वर था यहाँ अ तो ये बन गया अरी, और शब्द वापस अगर हम इसको देखें इधर से तो बन जाता है मधुवरी। इधर से हम देख लेते हैं, ये हमने कहा था उ को हम व करेंगे, जैसे यहाँ गुरु, रु में उ है उसको हमने यहाँ देखो व कर दिया, ये हमने इस उ को व किया है, और जो र है वो आधा होने के कारण ऊपर चला गया क्योंकि पीछे आ है वो तो व में मिलेगा तो हो गया वा, और ये जो आधा र हैगा वो ऊपर चला जाएगा और शब्द बन जाएगा गुरुवाज्ञा, यानी गुरु की आज्ञा हम अलग से पढ़े तो। अगला है वधुआगमनम, वधु का आगमन, तो वही वह है, वो वह का हमने ऊ कर दिया तो ध पहले से आधा है तो निश्चित रूप से जो वह जो वह का जो ऊ बनेगा स्वर वो ध में मिल जाएगा तो वधु,
पीछे जो वा का जो आज स्वर बचा वो पीछे चला जाएगा प्लस के बाद में और बन जाएगा आगमनम। वधु प्लस आगमनम हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इस उ को व कर देंगे तो हो जाएगा वध व और ये आ इसे मिल जाएगा तो वागमनम हो जाएगा। ये उ को हमने व बनाया, अब री को र, इसके हमें उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, री वाले भी और री वाले भी। तो दो ही उदाहरण हैं जो हमारी समझ के लिए काफी हैं। पहला शब्द है री को र करेंगे पित्री, री है और आज्ञा, हमने री को र कर दिया तो त आधा हो गया और र भी आधा हो गया तो इसमें मिल जाएगा आ, र में आ मिला तो बन जाएगा पित्राज्ञा, शब्द बन गया पित्राज्ञा। फिर है पित्री प्लस इच्छा, वही री को हमने र बना दिया आधा तो क्या बन जाएगा पी त र और ई है जो र में छोटी की मात्रा का त तो आधा ही रहेगा तो बन जाएगा पितरीच्छा, ये बना दिया मैंने पितरीच्छा, जो त्र में जो छोटी की मात्रा है वो र में है ना कि त में, क्योंकि त तो आधा हो गया, री का र करने के कारण त आधा हो गया पितरीच्छा। फिर है री को ल, शब्द है लाकृति यानी ल की आकृति, री है हम री को ल कर देंगे ल और पीछे बस सीधा आ मिला दो आकृति वाला तो आकृति बन गया, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, री को ल करना है और पीछे वाला स्वर स्वर वाला जो पूरा शब्द है मिला देंगे लकार, ल का आकार वही ल की आकृति, तो री को हमने ल कर दिया और इसमें आकार मिला दिया तो शब्द बन गया लाकार। इस प्रकार से हमारी जो यण संधि के चार प्रकार के उदाहरण थे वो मैंने यहाँ समझा दिए हैं कि ई ई को य, उ को व, री र, री को र और री को ल। इन सब से पहले मैंने आपको बताया था यण संधि को आप देखते ही पहचान जाएगी कि उनके पीछे वाले अक्षरों से पहले